हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज एक और नए एपिसोड में मैं आ गया हूँ। कल वाला व्लॉग आपने मेरा देख लिया होगा, तो कल वाले व्लॉग में आपने देखी होगी गाड़ी की डिलीवरी। तो हमने कल ली थी हिमालयन की डिलीवरी, तो वो बहुत अमेजिंग व्लॉग है। अगर आपने नहीं देखा तो ये व्लॉग के बाद वो व्लॉग को जरूर देखना। और आज हम जाने वाले हैं अल्मोड़ा। तो आज हमारा प्लान बनता है अल्मोड़ा जाने का। वैसे अभी श्योर नहीं है कि अल्मोड़ा ही जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ प्लान चेंज भी हो सकता है कि हम कहीं और भी निकलें। लेकिन यह है कि आज हम कहीं निकल रहे हैं। अभी तो मैं बाइक ले जा रहा हूँ, लेकिन बाइक की कार ले जाऊँगा और उससे जाएंगे हम ऊपर पहाड़ों की ओर। तो पहले मैं भाई के वहाँ चलता हूँ। अभी तो टाइम थोड़ा लेट हो गया, और टाइम था 10:30 बजे निकलने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेट होके 11 बज गया। तो 11 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे और मिलता है आपको सीधे गाड़ी। तो भाई मैंने गाड़ी ले ली है और बिक्की के यहाँ से गाड़ी ले ली। अभी पानी मार रहा है गाड़ी पे। तो कल जो बाइक की डिलीवरी थी ना, वो इसी की थी। धूल लक्कड़ हो रही थी, तो हमने सोचा इसमें पानी भी मार देते हैं। और यहाँ से अभी मैं अपने दोस्तों को लेके निकलूँगा अल्मोड़ा के लिए। तो अभी हम पहुंच गए रानी बाग वाले रास्ते पर, जो भीमताल का रास्ता था वहाँ पे। और मेरे साथ हैं बिक्की भाई। और जो ये रास्ता था ना, ये जो बनना था, ये लगभग बन गया है। थोड़ा सा इसका काम बाकी है। और अभी हम जाने वाले हैं। बिक्की भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर। तो अभी हम पहुंच गए खेची धाम, और यहाँ तो भाई बहुत भीड़ लगी हुई है। नीचे भी बहुत भीड़ है, बस गाड़ी खड़ी करने की जगह देखनी है। और गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह बना के ये जगह यहाँ पे मिली है, तो शायद यहाँ पे गाड़ी लगा लेते हैं और उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के जाएंगे। अभी गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है, और यहाँ से जब मैं उतर रहा था ना, तो मेरे हाथ में लग गया सिसौड़। सिसौड़ मतलब जंगली वो होता है, पत्ता होता है, तो बहुत कांटेदार होता है। तो थोड़े से भी लगने में तो यहाँ मेरे हाथ के पास सिसौड़ लग गया, और बहुत खुजली हो रही है। मेरे व्लॉग देखते आपको पता ही है कि जब भी मैं इस रास्ते से आता हूँ तो हमेशा इधर रुकता ही हूँ, यहाँ दर्शन करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अब यहाँ दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज सैटरडे, और सैटरडे के दिन इतनी भीड़, क्योंकि ना टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं ना, तो यहाँ रुकता ही है। तो आज भीड़ है। मोबाइल तो अंदर अलाउ नहीं कि मोबाइल ले जाना, बस यहाँ जूते खोलते हैं और जूते खोल के फिर। तो अभी दर्शन वगैरह कर लिए, और जो प्रसाद वगैरह होता है ना, प्रसाद हमने ले लिया था, और एक बुक मैंने ले ली जो पढ़ने के लिए मेरे बहुत काम आएगी दादा। और अभी यहाँ से दर्शन करके अब हम जा रहे हैं कसार देवी की तरफ। तो अभी हम खेरना में थे रुके हुए, और यहाँ हमने अपना लंच वगैरह कराया, और लंच करके अभी हम निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए। लगभग जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:13, और लेट हो गई है। देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुँचते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि हम लगभग 5:30 तक हम पहुँचेंगे कसार देवी, और 1.5 घंटा वहाँ रुकेंगे, और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे हल्द्वानी। चलते हैं हम आगे को अल्मोड़ा की तरफ। तो अभी हम अल्मोड़ा से थोड़ा ही मतलब मान लीजिए 20 किलोमीटर पहले रुके हुए थे, और बारिश हल्की हल्की होने लगी। और मेरे पीछे देखिएगा ये घर विंटेज सा है, बड़ा पुराना सा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। जब मैं यहाँ ना हर साल जब आता हूँ अपने बर्थडे के टाइम में जब आता था, तो मैं तो रुक के ना फोटो वगैरह छोटी छोटी फ़ोटोज़ लेता था, तो मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगा। तो इसको ना अभी बिल्कुल नया बना दिया है, और अब ये बिल्कुल नया नया सा है। देखो पूरा काम कर दिया इसने, आगे भी देखोगे तो एकदम फिनिशिंग कर दिया है। पहले टूटा फूटा था शायद कुछ, या तो गवर्नमेंट ने कर दिया, या फिर किसी लोकल जिसका घर होगा जिसने बनाया था उसने इसको बढ़िया कर दिया, लेकिन बहुत प्यारा दिख रहा था। तो हम यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटो वगैरह आएगी, तो उसको जाके इंस्टाग्राम में जाके देख लीजिएगा, और उसका लिंक यहीं कहीं पे आ रहा होगा। वहाँ जाओ, मेरे अपडेट्स देते हैं वो सारे वहीं मिल जाएंगे आपको, कि मैं कब कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। व्लॉग भले ही देर में आता है, लेकिन जो अपडेट्स होते हैं वो आ जाता है। और भाई बारिश कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, मौसम ना बारिश का मौसम बहुत प्यारा होता है।
तो अभी हम अल्मोड़ा पहुंच गए हैं और अल्मोड़ा मार्केट में अभी रिसेंटली एक दुकान है जो बहुत फेमस हुई थी, वो है खीम सिंह मोहन सिंह की। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी के पास अभी किसी एक बंदे ने, उनको स्पोर्ट्समैन है, उसने उनको मिठाई दी थी अल्मोड़ा की बाल मिठाई जो फेमस है। तो अभी वहाँ से अभी हम मिठाई भी लेंगे और मिठाई लेके फिर रख लेंगे, क्योंकि जब हम रात को आएंगे ना तो यहाँ दुकानें सारी बंद हो जाएंगी और तब कुछ मिलना नहीं है। इसलिए मैं सोचा था कि अभी मिठाई वगैरह लेके रख के फिर आगे को बढ़ेंगे। तो अभी मैंने विक्की भाई को कह दिया, विक्की भाई यहाँ से मिठाई ले लेंगे। तो यहीं पर दुकान है, ये है दुकान, ये वाली खीम सिंह मोहन सिंह की ये वाली दुकान है, यहाँ से मिठाई लेके निकलते हैं। आज तो भीड़ भी कम है, संडे के चक्कर से ना यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अभी हम पहुंच गए हैं कसार देवी मंदिर के पास और मेरे ठीक पीछे वहां पे कसार देवी मंदिर, और पीछे देख रहे हो पूरा फॉग वगैरह है और बारिश वगैरह हो रही है हल्की हल्की। तो ड्रोन शॉट तो बनता है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे एक आध घंटे में अगर बरसात रुक जाती है तो फिर ड्रोन शॉट लेंगे। बाकी तो वो लोग आगे को जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ साथ चले जाता हूँ, वरना लेट हो जाएंगे, वो लोग आगे चले जाएंगे, मैं छूट जाऊँगा। तो ये बोर्ड है उत्तराखंड टूरिज्म वाला, जिसमें इसका डिटेल वगैरह दे रखा है। चितय मंदिर आपका 9 किलोमीटर है यहाँ से, कटार सूर्यदेव मंदिर आपका 18 किलोमीटर, गणनाथ मंदिर 47 किलोमीटर, रानीखेत 50 और माँ अग्नेरी देवी मंदिर 95 किलोमीटर। और यहाँ भी कुछ डिटेल वगैरह है, कसार देवी मंदिर को पहले बार 1890 के दशक में जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ ध्यान भी किया था। तो डिटेल वगैरह पढ़ लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा इसका। तो हम मंदिर के परिसर के अंदर आ गए और मेरे पीछे व्यू देखोगे तो ये सामने पूरा अल्मोड़ा बाजार है और बहुत प्यारा व्यू आता है रात को। अगर भी आप यहाँ कैंपिंग वगैरह करते हो तो वो जो एरिया है ना, वो वाला सामने, तो यहाँ कैंपिंग वगैरह होती है बहुत बार। मेरे दोस्त लोग तो वो लोग कैंपिंग की वीडियोस वगैरह यहाँ डालते हैं, तो यहाँ कैंपिंग का भी बहुत अच्छा क्रेज़ है रात को कैंपिंग करने के लिए। तो हम तो वैसे अभी कैंपिंग वगैरह करेंगे नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तो इसमें कैंपिंग ज़रूर करेंगे। और देखो लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं इधर पे, और व्यू तो भाई अल्टीमेट है, बहुत प्यारा व्यू है। तो मंदिर के दर्शन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आगे इस ब्लॉग में। तो तब देखिए कुछ सिनेमैटिक शॉट यहाँ के। यहाँ के तो दर्शन हो गए याले मंदिर के, जो मेन मंदिर है, एक मंदिर ऊपर और है तो वहाँ जाके भी पता करते कि वहाँ कौन सा मंदिर है। तो वहाँ जा रहे हैं अभी, बाकी तो पता चले गए। और एक आंटी भी है जो चल नहीं पा रही थी, तो मैं सोचा उनकी हेल्प कर दूँ, साथ में चल लूँ, तो उनसे पता भी चलूँगा आप लोग कहाँ से आए हो। तो जाते हैं आगे ऊपर को। तो वहाँ मतलब क्या है वहाँ पे, ऐसा मतलब अंदर वहाँ ध्यान वगैरह करा था उन्होंने। अच्छा, रास्ता नीचे से है ना, रास्ता ये पेड़ से जा रहा है। ठीक है, और मंदिर कितना पुराना होगा याला? ये तो मंदिर बताते हैं 5000 वर्ष पुराना है। नीचे वाला ऊपर वाला? ये वाला, ये बताते हैं ये शिव जी तो पहले ही से थे ना यहाँ। अच्छा, जब शुंभ का वध हुआ तो शिव जी ने बुलाई हुई ना माता, तो शिव जी तो किसी का वध करते नहीं है, तब ये मंदिर बाद का। ये तो प्राचीन है, पहले छोटा था। ठीक, फिर ये तो अभी नया बना है ना? अभी फिर नया बना, फिर ये गुम्मट अभी बना है। अच्छा, जो ऊपर लगा वाला वो वाला गुम्मट, तो वो अभी वो पहले सीमेंट का था ना छोटा सा गुम्मट। हाँ। वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो नया बना है। और मंदिर फिर ये वाली स्थापना इसके बाद में हुई है। ठीक, मगर वो सिद्धपीठ है, उसने वध किया ना माता ने। माता ने वध करा था किनका? शंभु का वध यहाँ हुआ था।
तो अभी मैं पहुंच गया हूं मंदिर के ठीक नीचे जहां पे विवेकानंद जी ने अपनी ध्यान वगैरह लगाया था। तो यहां वो जगह है, यहीं अगर आप विकिपीडिया करोगे गूगल में सर्च करोगे तो 1819 के टाइम पे यहां विवेकानंद जी आए थे और यहां ध्यान लगाया था। और उससे पहले जो यहां की मान्यता है ना तो वो आपको मैं बता दूँ कि सेकेंड सेंचुरी का टाइम था, तो सेकेंड सेंचुरी पे यहाँ भोलेनाथ जी का वास था ऐसा कहा जाता है। और सबसे पुराना मंदिर मतलब जो वहाँ पे कसार देवी मंदिर है उससे पुराना ये वाला मंदिर है जो इसके ऊपर ठीक है, वो भोलेनाथ जी का सबसे पुराना मंदिर है। जब माता ने किसी राक्षस का वध करा था उसके बाद इस जगह का नाम कसार देवी मंदिर रखा गया था। और वहाँ भी कुछ पॉइंट है जहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ भी फोटो वगैरह खिंचाते हैं। और मौसम थोड़ा सा खुला तो नहीं है, हल्का, लेकिन बारिश हो गई तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ड्रोन शॉट तो यहाँ बनता है। तो अभी देखते हैं, मैं ड्रोन लेके आता हूँ गाड़ी से, उसके बाद एक ड्रोन शॉट लेते हैं। पर यहाँ ना सच बताऊँ वैसे मुझे पर्सनली मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ बैठ के ध्यान लगाऊँ, इतना मतलब मुझे पॉजिटिव फीलिंग यहाँ आ रही है। तो अभी तो शायद मेरे को पॉसिबल नहीं है, लग तो रहा है मन कि मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन अभी मैं बैठ नहीं पाऊँगा। किसी दिन आएंगे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ ध्यान वगैरह लगाएंगे। दर्शन वगैरह कर लिए हैं और दर्शन करके हम नीचे आ रहे थे। तो अभी प्लान ऐसा है, यहाँ पर एक कैफ़े है, वो कैफ़े जाएंगे, मोहन कैफ़े करके एक नाम है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है मोहन कैफ़े करके। तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ चाय वगैरह करके कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम हल्द्वानी को। और जो अभी टाइम हो रहा है ना वो बज रहा है 6:47, तो लगभग हम यहाँ एक डेढ़ घंटे रुके, ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि हमको जल्दी हल्द्वानी भी पहुँचना था। और हम यहाँ देर करते तो हमको हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते हम 11 बज जाते। तो अभी हम मोहन कैफे तो गए थे लेकिन मोहन कैफे खुला नहीं था, तो हम यहीं पे एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ रुक गए थे। और वहीं हम अभी अपना डिनर भी अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमको ना सीधे हल्द्वानी पहुँचना है जल्दी जल्दी, और बारिश भी हो रही, किस्ते में ख़राब ना मिले रास्ता, मलबा वगैरह ना मिले। तो हम सोचे पहले यहाँ डिनर वगैरह करते हैं, फिर यहीं से हम चलते हैं वापस हल्द्वानी को। तो ऊपर तो इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी ऊपर आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा दूँगा, क्योंकि ऊपर गाने चल रहे हैं तो उससे कॉपीराइट का इशू हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर व्लॉग बनाने के लिए नीचे आ गया था। तो अभी जाता हूँ, खाना खाते हैं, उससे सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ, उससे फिर चलते हैं हल्द्वानी को। अभी बज गए हैं रात के 12 और मैं पहुंच गया हूँ हल्द्वानी। तो हम निकले थे वहाँ 9 बजे के आसपास, 9:30-9 के आसपास निकल गए थे हम अल्मोड़ा से। और फिर उसके बाद रास्ते में हमको हल्की हल्की बारिश मिली, और रात में तो हमारा रास्ता जो था ना बहुत जल्दी से पूरा हो गया और हम पहुंच गए हल्द्वानी 3 घंटे के अंदर। तो अभी क्या है, उनको मैंने छोड़ दिया, जो मेरे साथ के थे उनको मैंने अपने उनके घर छोड़ दिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, जो कि मेरे घर थोड़ा सा दूर है, लगभग लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिवार में भी दिखाइएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।